सबका मूर्ति हमारी प्यारी बच्ची नाविश खान, उनके वालिद साहब करीम खान साहब, उनकी वालदा, मंच पे नाविश आपका फेलिसिटेशन करने के लिए मौजूद टाइम्स ऑफ इंडिया के सीनियर जर्नलिस्ट मोहम्मद मजीउद्दीन, वीरा बंदर नया नगर पुलिस स्टेशन से पुलिस ऑफिसर मिस्टर पाटे, सुपरिंटेंडेंट ऑफ कस्टम्स मिस्टर संतोष बनावकर, हमारे तमाम म्यूनिसिपल कॉरपोरेटर्स और इस शहर के कई नौजवान बच्चे जो आपसे इंस्पायर हुए वो भी यहां पर मौजूद हैं, और तमाम पत्रकार दोस्त सभी मौजूद हजरात मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, सबसे पहले मोहित आपको बेटा ढेर सारी शुभकामनाएं और मुबारकबाद। आपके वालिद साहब को और वालदा को भी बहुत सारी मुबारकबाद। मैं जानता हूं कि यूपीएससी का एग्जाम अपियर होना, सोचना और उस मुकाम तक के पहुंचना बहुत मुश्किल का काम। मेरी परवरिश थोड़े मेरे वालिद साहब कम पढ़े, तो पढ़ने का मौका नहीं मिला, सिर्फ सातवीं तक पढ़े, वालदा सिर्फ दसवीं तक पढ़ी, और डॉक्टर साहब उन्होंने हमारा लोगों को पढ़ाया, उन सब बच्चों को पढ़ा, और आज हमको आपका बेटा रजिस्ट्रेशन करने का जो मौका मिला है और इसकी जो खुशी है मैं आप सबसे शेयर करना चाहता हूं। बचपन से ये मीरा रोड मीरा बहिंदर को बसाने के लिए जो आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स का साथ हमारे वालिद साहब को मिला गवर्नमेंट ऑफिसर्स का, हमारा पूरा बचपना उसमें है। और जब मैं 12वीं कर रहा था तो मैंने अपने वालिद साहब से कहा कि मुझे भी आईपीएस करना है, नया नगर बस रहा था, और क्योंकि आईजी कमिश्नर रोज उन्हीं लोगों के साथ उठक बैठक वहां करनी थी, मुझे भी ये इंस्पिरेशन था कि मैंने भी यंगस्टर्स में होता ना क्योंकि बंदूक वर्दी वर्दी की ताकत ये जुनून था कि मुझे भी आईपीएस करना है। मेरे वालिद साहब ने कहा बेटा मैं जो काम कर रहा हूं, तो मेरे वालिद साहब जो काम कर रहे हैं उसमें तुमको अकेले को आईएएस आईपीएस नहीं बनना है, तुमको ऐसा काम करना है मेरे बाप ने भी जिसकी वजह से हजारों बच्चे आईएएस आईपीएस इंजीनियर डॉक्टर एमबीए इस तरह का एजुकेशन मुसलमान कौम के बच्चे हासिल करें। आज मुल्क में माहौल अलग है, अगर उसमें अगर नाविश जैसी बच्ची यूपीएससी में कामयाब होती है तो ये इस देश की कॉन्स्टिट्यूशन को सलाम है, इस देश की इस मुल्क की इस घटना को सलाम है। तो चाहे लोग कितनी भी आग लगाना चाहे मगर ये कॉन्स्टिट्यूशन हर एक को उतना ही मौका देता है जितना नाविश को दिया है, उसकी बहनों को दिया है, उसके वालिद साहब की अपील हुए कामयाब नहीं हो सके मगर उनकी जद्दोजहद और उनकी जिद कि मैं नहीं बन पाया। जैसे दंगल पिक्चर आपने हमने देखी, आमिर खान दंगल में जीत नहीं पाता मगर अपनी बिटियाओं को तो आप यहाँ पर अब्दुल रहीम खान साहब नहीं है तो आप यहाँ के आमिर खान। हमारे इसी शहर से एक 5 साल पहले शांति पार्क से समीर शेख आईपीएस हुआ, अभी मैं काटे से पूछ रहा हूँ कहाँ है, अभी वो पूरे की कूटिया में है। तो आप बेटा सेकंड बच्ची इस फॉर्म की है जिसने आईएएस यूपीएससी क्लियर किया है, तो हमको तो खुशी इस बात की हमारे वालिद साहब ने जो 60 साल पहले 50 साल पहले 40 साल पहले जो फॉर्म देखा आज हमारे नजरों के सामने वो सच हो गया। वरना अक्सर मुस्लिम बस्ती काटे साहब आजकल कहीं भी मुस्लिम बस्ती है तो उसको रेड स्पॉट में डिपार्टमेंट डालता है, मुसलमानों की बस्ती है तो वहां पे गुंडागर्दी बदमाशी ड्रग्स माफिया लुटेरे चीटर। मीरा बहिंदर में भी हमारे पत्रकार दोस्त लोग बैठे हैं, पत्रकार भी इसी तरह से उल्लेख करते हैं कि नया नगर को तो सेंसिटिव एरिया है,
नगर के लोगों को बदमाशों का एरिया है, नया नगर के लोगों को गुंडों का एरिया है, तो दोस्तों ये वही नया नगर है जहां से आईपीएस और आईपीएस निकल रहा है, ये वही मीरा रोड है जहां से इस गांव के दो बच्चे एक आईपीएस और आईएएस के और इसकी पहले भी आईएएस और आईपीएस थे। मैं ये भी आप लोगों को बताना चाहता हूं कि यही नया नगर है जहां से हजारों की तादाद में बच्चों ने, मुस्लिम बच्चों ने चार्टर्ड अकाउंटेंसी करी है, डॉक्टर्स बने हैं, इंजीनियर्स बने हैं, एमबीए किए हैं। आप लोग को सुन के अच्छा लगेगा कि सीईओ का भी चीफ कौन है दुनिया में, गूगल का क्या नाम है, सुंदर पिचाई, सुंदर पिचाई हिलव्यू बिल्डिंग के रो हाउस नंबर 2 में रह करके गया 2 साल। आपको पता भी नहीं होगा 1987-88 में जहां एक साउथ इंडियन फैमिली रहती थी, तो उसका रिलेटिव था चेन्नई से बॉम्बे पढ़ने के लिए आया, यूएस का वीजा अप्लाई करने आया, 2 साल मीरा रोड में रह करके गया है। आज आपने यूएस में, कनाडा में, यूरोप में, जर्मनी में, आपके इसी नए नगर से, खाली मिडिल ईस्ट में नहीं, खाली इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का काम करने वाले या ड्राइवर का काम करने वाले लोग नहीं, मैं इसी नए नगर की बात करता हूं जिसपे लोग टिका करते हैं, टिप्पणी करते हैं, मुसलमान कौम के ऊपर उंगलियां उठाते हैं। इसी नए नगर से हजारों हजारों बच्चे आज यूरोप के अंदर और मिडिल ईस्ट के अंदर, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, कनाडा में, मॉस्को में, सारे दुनिया में तालीम हासिल करके सक्सेसफुली काम कर रहे हैं इसी मीरा रोड से, इसी नया नगर से। और आज इस बच्ची ने उसके 4 चांद लगाए। आप बेटा महाराष्ट्र कैडरी सेलेक्ट करना और इसी थाने जिले का कलेक्टर बन जाना। आप पिक्चर में देखते हैं ना, सुनने में अपने गांव का पीआई बनता है, तो मवीश हमारे थाने जिले की कलेक्टर क्यों नहीं बन सकती, मवीश हमारे मीरा भाईंदर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की कमिश्नर क्यों नहीं बन सकती, यकीनन बनेगी, यकीनन बनेगी। जहां पे इंसान एक बार ग्रुप निश्चय कर लेता है, डिटर्मिन होकर के काम करता है, वो उसमें कामयाब होता ही है, रास्ता अपने आप बनते जाता है। ग्रुप निश्चय होना चाहिए, डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि हमें ये करना है। मुझे मेरे वालिद साहब के बेटा, जब मुझे वजीउद्दीन भाई ने फोन करके बताया, हमारा 2 दिन का पार्टी का शिविर चल रहा था शिरडी में, मैं वहां था, उन्होंने फोन किया, बताया तो मैं बोला वजीद दिन मैं आऊंगा, लेकिन मैं आया और तुरंत हमारे बहन भाई असगर भाई का फिर से सर्जरी करनी पड़ी। मगर फिर बॉम्बे आते जाते ही हमने शॉर्ट नोटिस पे फिर आपसे परसों रात में बात करी, तो आप भी कल गांव जा रहे हैं, आपकी बिटिया की शादी है, उसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। अरे शादी करके पढ़ाई छोड़ना नहीं, शौहर अगर पढ़ा नहीं है उसको भी आगे पढ़ा। तरबियत एक ऐसी चीज है, एक ऐसा गहना है जिसे दुनिया में कोई ताकत चुरा नहीं सकती। तालीम एक ऐसी चीज है दुनिया में कोई आपसे चुरा नहीं सकता। मेरे कई नॉन मुस्लिम पत्रकार दोस्त बैठे हैं, आप लोग हमेशा लिखते हैं इस्लाम के अंदर औरतों पे अन्याय अत्याचार, औरतों पे अन्याय अत्याचार पूरी दुनिया में होता है, मगर आपको बताना चाहता हूं इस्लाम के अंदर औरतों को अधिकार देने का काम पूरी दुनिया में किसी कम्युनिटी ने किया तो इस्लाम ने। हमारे प्रोफेट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में पहली स्कूल औरतों की, जब ये दुनिया औरतों को पैदाइश के साथ मार दिया करती थी, उस वक्त पहली स्कूल बनी तो इस्लाम ने सिखाया। बदनाम करने के लिए तो अभी आजकल कुछ भी उठता है, ज्ञान करने भी हो जाता है, ज्ञान भी बांट देते हैं लोग, मगर उसी ज्ञान वादी के बारे में जब बोला जाए बेटा ये इतिहास है, हिस्ट्री है, क्योंकि लोग बोलते नहीं है, वही हिंदू बनारस विश्व हिंदू विश्वविद्यालय के म्यूजियम में औरंगजेब का 1669 का फरमान रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में रखा हुआ है 1669 का बनारस फरमान औरंगजेब का, जिसमें उन्होंने ये कहा कि हमारे दरबार में ऐसी खबरें आ रही है कि मंदिर ध्वस्त किए जा रहे हैं, पंडितों को परेशान किया जा रहा है, पूजा पाठ करने से रोका जा रहा है, ये फरमान
जारी होने के साथ ये सारी हरकतें बंद होना चाहिए, क्योंकि वो कट्टर इस्लामिक मानने वाले थे। इसलिए उन्होंने कहा कि नए मंदिर बनेंगे नहीं, झूले मंदिर कोई टूटेंगे। ये डॉक्यूमेंटेड है, कहां है? तो बनारस विश्व हिंदू विद्यालय के म्यूजियम में। मगर जब दुनिया के सामने अंधकार छा जाता है तो लोग इतिहास नहीं पढ़ते, ज्ञान नहीं बांटते, ज्ञान व्यापी मस्जिद को लेकर के लड़ पड़ते हैं। तो ये बेटा जो आपने पढ़ाई की है ना, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इस देश को चलाने की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। सच, झूठ, धर्म, भाषा, प्राण, इससे उठ करके आपको अपनी जिंदगी में काम करना है और दुनिया को, इस मुल्क के हर नागरिक को। डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखी है, उस कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर आपको कायम रह करके सबको एक नजर से न्याय का काम करना है। आप सिर्फ आईएएस नहीं बन रही है, आप सिर्फ आपके वाले बोलते हैं कि ख्वाहिश पूरी नहीं कर रही है, तो आप इस कंधों पर इस मुल्क की संगे बुनियाद, जिसे ब्यूरोक्रेसी एक कॉन्स्टिट्यूशन का स्तंभ माना जाता है, उसके आप एक पिल्लर बन गए। इसलिए अल्लाह ताला से दुआ कीजिएगा कि कभी कोई फैसला करते वक्त, चाहे अपनी कम्युनिटी का क्यों ना हो, चाहे कोई गलत इंसान क्यों ना हो, चाहे कोई आपका रिश्तेदार क्यों ना हो, अगर सही फैसला करने में आपके कदम तक मकाए नहीं, ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी बेटा आपके ऊपर है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी। क्योंकि आपको देख करके भी मेरे बच्चे यहाँ बैठे हैं, अभी आपको कल जाना है राजस्थान में डॉक्टर साहब, हम बहुत बड़ा प्रोग्राम करने का हमने सोचा था, मगर अभी जाना है कि आपके घर में शादी की है और फिर तुरंत आपका कैडर सेलेक्ट हो जाएगा तो तुरंत आपको ट्रेनिंग में जाना पड़ेगा, फिर तो मौका ही नहीं मिलेगा, फिर जिंदगी मौका नहीं देगी। मगर जिस सोशल मीडिया पर आपने बॉयकॉट के लिए कहा है, मैं आपको गाइड करूंगा, कहूंगा कि एक यूट्यूब चैनल आप अपना शुरू कीजिए और उस यूट्यूब चैनल के जरिए आप बच्चों को गाइडेंस यूपीएससी के बारे में आप 2-5 मिनट का वीडियो जब भी आपको मौका मिले उसको डालिए, उसको सर्कुलेट कीजिए। और जरूरी नहीं कि सिर्फ सोशल मीडिया से गलत बातें होती है, सोशल मीडिया से कई अच्छी बातें भी होती है। आप कितना अच्छा खाना खाते हो, कितनी बुरी आदतें खुद में डालते हैं, ये अपने ऊपर निर्भर होता है। वरना कुरान भी है, गीता भी है, बाइबल भी है, गुरु ग्रंथ साहिब भी है, मगर फिर भी दुनिया में बुराई मौजूद है। इसलिए आपकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है और नाग साहब आपको और आपकी बेगम साहिबों को दिल से मुबारकबाद पेश करता हूं। आपने आपका ख्वाब पूरा नहीं किया, आपने मेरे वाले साहब का ख्वाब पूरा किया। आज वो बेड रिडन है, शहर में देख नहीं सकते, अगर वो होते इधर आज रो पड़ते। जो ख्वाब उन्होंने देखा 1960-70 में, आज वो पूरा हुआ। कौन से बच्चे तालीम ले रहे हैं और तरक्की कर रहे हैं। दुनिया में चाहे कितना भी बुरा वक्त इस कौम के ऊपर आया और आ रहा हो, अगर बेटा आप जैसे बच्चे ही इस कौम को आगे बढ़ा सकते हैं, नौजवानों को सही रास्ता बता सकते हैं, मैं तहे दिल से आपके वालिद वालिदैन का शुक्रिया अदा करता हूँ, उनको मुबारकबाद देता हूँ और आपको भी आपकी मुस्तकबिल के लिए, फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। खुदा हाफिज़। जय हिंद, जय भारत।